जी हमारे सहयोगी रणवीर इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रणवीर एक बार फिर से विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए जरा, कोर्ट के आदेश में क्या कुछ साफ हो गया? अजय कुमार मिश्रा के साथ दो और सहायक कमिश्नर तो होंगे, और क्या कुछ कहा गया महत्वपूर्ण? देखिए कोर्ट ने तीन बातें कही हैं। नंबर वन, अजय कुमार मिश्रा रिटेन करेंगे, यानी वो बरकरार रहेंगे, उनके सहयोगी के तौर पर दो और वकील उनके साथ रहे। मिश्रा नहीं रहते हैं तो विशाल सिंह कर सकते हैं, विशाल सिंह नहीं रहते हैं तो अजय कुमार मिश्रा के लिए कर सकते हैं, दोनों को संयुक्त रूप से करेंगे। और 17 मई तक न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करना है, जो कमीशन कार्रवाई में विरोध उत्पन्न करेगा उस पर FIR मुकदमे तक दर्ज किए जाएंगे। भाई अब कमिश्नर अजय मिश्रा के संग एक और, अब कुल दो कमिश्नर हो गए। हाँ भाई विशाल सिंह, मैं तो बोल तो रहा हूँ कमिश्नर अब कुल हो गए। और जितनी मैं देख रहा था भीड़ आ जा रही थी जब भी जा रहे थे, कानूनी जो दिक्कतें आ रही थी उसके लिए क्या आदेश हुआ है? सख्त आदेश सर क्या दिया कोर्ट ने? क्या आदेश दिया है? मान लीजिए जो भीड़ पहुँचती है रोकती है सर्वे में? अरे भाई जो अवरोध उत्पन्न करेंगे मुकदमा दर्ज होगा, कोर्ट का आदेश हो गया। भीड़ से मतलब नहीं है, वहाँ अवरोध उत्पन्न जो करेगा और अंदर कमीशन कार्रवाई के समय कोई नहीं रहेगा वहाँ। एक और बात उठ रही थी कि खरोच रहे हैं जो टीम जा रही है, वो जो मस्जिद का हिस्सा है वही खरोच नहीं रहेगा, उंगली से धूल हटा रहे तो नहीं हटाएंगे। वो सब होगा, वो प्रोसेस पूरा चलता रहेगा। हाँ। नहीं नहीं हटाएंगे नहीं, साधारण कमीशन है, साधारण कमीशन देखेंगे करेंगे। वीडियोग्राफी को लेके भी एक वीडियोग्राफी होगी, उसको खत्म हो गया। पूरा जो आज का फैसला है आप लोग के पक्ष में? अरे न्याय के पक्ष में है, मेरे पक्ष में नहीं है, पक्ष में रहा ऐसा कहना है। देखिए यहाँ हर हर महादेव का नारा है। सुधीर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पूरे मामले में हम देख रहे थे बार बार जो ये पक्ष था लीगल रख रहे थे, ये जो महिलाएं यहाँ पर वो हमारे संग मौजूद है जो बार बार अंदर जा रही। आज के लिए बोल दिया गया 17 को फाइनल रिपोर्ट आएगी, हमेशा सत्य की जीत होती है। हारा, हारा, महादेव। बिल्कुल मिली है, बिल्कुल मिली है। अंदर जाके ही मंदिर जाके होगी कमीशन मिली, अगर ताला किसी भी कारणवश नहीं देंगे चाबी तो ताला तोड़ के कमीशन जांच होगी। के अंदर भी होगा सर्वे? हाँ बैरिकेडिंग के अंदर। रोक रहे थे लोग आके, दिख रहे थे बार बार लोग आके रोक रहे थे, उनके लिए क्या बोला? नहीं नहीं आदेश मिल गया ना, आदेश मिल गया, अब रोक नहीं होगा। खुशी है आप लोग? बहुत खुश है, बहुत खुश है। लीजिए मिठाई खाइए, लीजिए है जो यहाँ पर पक्षकार थे वो जब बाहर निकले तो मिठाई लेकर, तो जिसके बाद आप लोग निकले तो क्या बुरा है? जो जो था टीम में हम लोग सोचे अंदर ही हरहर महादेव बोले, लेकिन अंदर अलाउ नहीं था, बाहर निकल के बोले हम लोग हरहर महादेव। खुशिया जो है हाथ में लड्डू है, चेहरे पर मुस्कान है, अपनी पूरी बात रख रही है। जो लीगल टीम थी उनके संग वो यहाँ पर अपना पक्ष रख रही है, जिन्होंने डाला। हाँ कह रहे थे कुछ भी, हम लोग जो चाहते थे हमारे पक्ष हिंदू धर्म के पक्ष में, और हमें पूरा विश्वास है पुनः ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद को तोड़ कर वहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित की जाएगी, और यह जीत पूरे हिंदुस्तान की जीत है, पूरे हिंदुस्तान की जीत है। और यह एक हमें दिखाता कि हमने जो चीजें चुनी, ये हर हर महादेव का उद्घोष है। महत्वपूर्ण इसमें क्या है? महत्वपूर्ण इसमें यह है कि इस पूरे मामले में अब पहले जिनको लेकर पूरा विरोध कर रहे थे जो दूसरा पक्ष था, अब एक और को जोड़ दिया गया है जो अजय मिश्रा है, उनको तो रखा ही, साथ ही साथ विवेक सिंह है उनको भी इस मामले में जोड़ दिया है। दोनों की मौजूदगी में अगर एक नहीं है तो दूसरे की मौजूदगी में ये जो पूरा सर्वे का काम है होता रहेगा। मेरे हाथ में लड्डू है, ये लड्डू जो महिलाएं निकली है बाहर, हर हर महादेव का जयघोष भी है, लड्डू भी दे दिया, और इस लड्डू के संग जो उनका उत्सव है जो इस पूरे मामले को लेकर खुशी है जयघोष करके उस खुशी को जाहिर कर रही है। महत्वपूर्ण अब इस पूरे फैसले को लेकर अगर देखा जाए तो जो दो चीजें दिखाई दे रही के साथ कुल मिलाकर देखिए हिंदू पक्ष जो है वो बेहद उत्साहित और बेहद खुश आज के इस फैसले से नजर आ रहा है। महत्वपूर्ण बात ये कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो कहा जा रहा था कि एडवोकेट कमिश्नर को बदले अदालत, अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर को बरकरार रखा है, उनके साथ दो और एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर दिए गए हैं, विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह। बड़ी बात यह कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के संपूर्ण भाग में वीडियोग्राफी होगी, बैरिकेडिंग के भीतर भी, तहखाने के अंदर भी वीडियोग्राफिंग की जाएगी। 17 मई तक सर्वे की रिपोर्ट अदालत को सौंपनी है। सीधे आपको लेकर चलते हैं रणवीर के पास। रणवीर बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है अदालत का आज का फैसला, जो भी इसमें व्यवधान उत्पन्न करेगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का भी आदेश देते हैं। मेरे साथ सुभाष चतुर्वेदी जी हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर क्या क्या फैसला हुआ। वैसे मैं आपको बता दूं कि दो और कोर्ट कमिश्नर होंगे, इसके अलावा परिसर के अंदर पूरी कार्रवाई हो सकती है, यानी कि वीडियोग्राफी हो सकती है, और 17 तारीख के पहले रिपोर्ट देना है। सुभाष जी से बात करते हैं। सुभाष जी एक सवाल सीधा सीधा आपसे, ये कि क्या आज फैसला आया? क्या फैसला आज? जैसे दो पक्षों पर देखिए जो आज फैसला आना था, एक पक्ष तो कमिश्नर का था कि कमिश्नर बदला जाए कि न बदला जाए, दूसरा पक्ष था कि कैसे प्रवेश कराया जाए,
उस ज्ञानवापी परिसर में जो बैरिकेडिंग के अंदर है इस पर फैसला आना था। दोनों प्रार्थना पत्रों में माननीय न्यायालय का आज फैसला आया है। पहले में माननीय न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि अजय कुमार मिश्र रहेंगे अधिवक्ता। रणवीर, आपको रोकना चाहूंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।